रुख खंडवा का करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां संबोधित कर रहे हैं। तुम्हारे मामा ने योजना बनाई थी, कोई बेटा बेटी हो किसी जाति और समाज के हो, अगर वो गरीब परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो जाता है और फीस भरने में सक्षम नहीं है, तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगा। हमने तय किया कमलनाथ जी ने योजना बंद कर दी, मेरी बहनें बैठी, हमने तय किया संबल योजना में कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 ताकि आराम करने का मौका मिले, और जन्म देने के बाद 12,000 तो 16,000 लड्डू खाने के लिए भैया बहनों के पास भिजवाएगा। हमने 16,000 रुपया देने की योजना बनाई, कमलनाथ दादा तुम्हें क्या चेटी, मेरी बहन के लड्डू तुमने छोड़ा दिए, योजना बंद कर दी। हमने तय किया एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी अगर परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता, कई घटनाएं होती है, हम 4,00,000 रुपया देंगे, वो 4,00,000 कमलनाथ जी ने बंद करवा दिए। हमने तय किया सामान्य मौत में 2,00,000 देंगे, वो 2,00,000 की बंद करवा दिए, और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे ताकि अंतिम संस्कार तो सम्मान के साथ हो सके, कमलनाथ जी आपने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन लिए। सारी योजना पर केवल भ्रष्टाचार का राज, और तब जब हमें लगा कि 5 साल ये सरकार चल गई तो मध्यप्रदेश को तबाह और बर्बाद कर देगी, फिर से दिग्विजय के युग में ले जाएगी, तब ये तय हुआ, कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि हम ही इसे तोड़ेंगे, तब हमने सरकार बनाने का फैसला किया। लेकिन उस सरकार बनाते समय तो कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया, एक मानधाता के और एक नेपा नगर के, अब उस समय बड़ा दुविधा में थी पार्टी के, ये इनको ले कि नहीं ले। नंदू भैया से हमने बात की तो उनका एक एक विधायक की जरूरत है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को समझाऊंगा, दोबारा इनको जिता के लेके आऊंगा, इनको ले भारतीय जनता पार्टी में लड़ाओ चुनाव ताकि सरकार मजबूत हो सके, और उसके बाद चुनाव हम भारी बहुमत से जीते चुनाव। सरकार तो बना ली लेकिन नंदू भैया को हमने खो दिया। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं, नंदू भैया के अधूरे कामों को शिवराज सिंह चौहान पूरा करेगा, कोई काम अधूरा नहीं रह जाएगा। असमय चले गए इसलिए चुनाव हो रहे हैं। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, पार्टी कम है सर्कस ज्यादा है, कांग्रेस में आज भी कोई अध्यक्ष नहीं है, मैडम कार्यवाहक का अध्यक्ष है, राहुल गांधी कहते हैं मैं अध्यक्ष नहीं हूं, अध्यक्ष तो नहीं हूं लेकिन मुख्यमंत्री हटाना हो तो राहुल बाबा हटा देते हैं। अच्छी खासी पंजाब की सरकार चल रही थी हरदीप जी, कैप्टन को ही निपटा दिया राहुल गांधी ने, ले आए चन्नी साहब को और सिद्धू जी को बना दिया अध्यक्ष कांग्रेस का, सिद्धू जी ने तो तय किया है हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। अब अच्छी खासी सरकार में क्या हो रहा है रोज देख रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है कांग्रेस पे किसी का। छत्तीसगढ़ में देखो तो सिंहदेव साहब और भूपेश बहुगोई बघेल जी 50-50 खेल रहे हैं, राजस्थान में भी कोई हो नहीं, और मध्यप्रदेश में तो कमलनाथ जी हैं, देखो मुख्यमंत्री हो तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बोले कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो बोले कमलनाथ, स्टार प्रचारक कौन तो बोले कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, स्टार प्रचारक कमलनाथ, युवाओं का नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेसी सब अनाथ। वरुण यादव बेचारे क्या कह रहे, ये कांग्रेस है जिसने स्वर्गीय सुभाष यादव जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और भैया को तो सांसद ही नहीं बनने दिया,
ये पार्टी भला नहीं कर सकती। और आज मैं निवेदन करने आया, मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15% ब्याज पर कर्जा देते थे कांग्रेस की सरकार वाले, हमने 0% ब्याज पर कर्जा किया। ये सूखा क्षेत्र था, गिराज कहते हैं संतोष है कि मेहनती किसानों ने पानी के कारण अपने खेतों में ऐसी फसलें ले लाई है कि निमाड़ का नाम भी पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर दिया। और किसान भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सिंचाई के इंतजाम हो, बिजली की व्यवस्था हो, आप तो डंग साहब बैठे, अभी तो कोयले के बिजली के प्लांट लगे हैं। एक और आज बता रहा हूं, आपने सुन लिया होगा, ओंकारेश्वर बांध में अब कोयला भी कम पड़ जाता है कई बार बिजली के लिए। तो अपने पास सूरज से बिजली बनाने का सबसे बड़ा स्रोत अगर बिजली का तो सूरज है। तो अपन सोच रहे हैं मध्यप्रदेश में सूरज भगवान से बिजली बनाएंगे, और सूरज भगवान से बिजली बनाने के लिए ओंकारेश्वर बांध में सौर ऊर्जा की प्लेटें बिछा के बांध के पानी को भाप बन के उड़ने से भी बचाएंगे और बिजली भी बना के आपको देंगे। 660 मेगावाट बिजली बनेगी। क्या काम कर रहे हो सरदार जी, पानी पे बिजली बना रहे हो यार? जहां बिजली बन सकती, अलग अलग जगह सोलर पावर प्लांट लगा के एक दिन ऐसा लाऊंगा कि कोयले पे बिजली की उपलब्ध जो डिपेंडेंसी है, जो हम निर्भर करते हैं, वो खत्म कर देंगे। बिजली हो, पानी हो, सड़क, मेरी बहनों पीने का पानी, मैं अपनी बेटियों बहनों को केवल यही के लिए नहीं बताना चाहता, पूरे खंडवा जिले में, पूरे मध्यप्रदेश में मैं देखता था मेरी बहनों हैंडपंप पर बहनें पानी भरने जाती है, और कई बार बेटियों को भेजती, बेटे को नहीं भेजती, तुम भी बेईमानी करके पानी कौन भरेगा, भैया कहा को भैया तो राजा भैया है, बेटी तू भरना। अब तय किया मध्यप्रदेश में 15,000 करोड़ खर्चा कर रहे, पाइपलाइन बिछाते, बांधों के पानी को फिल्टर करके, ठीक करके, स्वच्छ करके, और गांव में पाइपलाइन बिछा के, घरों में नल लगवा के, टोटी वाले नल से पानी दूंगा, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और बेटियों का हैंडपंप पे जाना बंद हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री है, देश को वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध बना रहे हैं। उन्हें किसानों के लिए तय किया, छोटे किसानों के लिए वरदान है कि 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डाला जाएगा। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा मामा चौथी बार बना है, प्रधानमंत्री जी 6,000 डाल रहे, 4 तू डाल के 10 तो कर दे कम से कम। तो हमने 10,000 डालने का फैसला किया, 4 उनके 4 हमारे, और अभी तो थोड़ी कड़की में मामा कोरोना के कारण जरा और कुरकुरा होने दो, फिर देखना था। किसान भाइयों कोई कसर नहीं छोड़ो, 2-2 बार कोरोना में गेहूं कैसे खरीदा मेरे दिल जानता है, कई सही हो गए, लेकिन हमने किसान का एक दाना खरीदा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसान का कोई भी संकट कभी आएगा तो संकट के पार शिवराज निकाल के ले जाएगा, कभी चिंता मत करना, आपके साथ मेरे बेटा बेटियों, मुझे गर्व है यूपीएससी में मेरे मध्यप्रदेश के 38 बच्चे सिलेक्ट हुए इस बार। तुम भी पढ़ना, मेहनत करना, और मैंने पहले ही बता दिया कि फीसिस की अब चिंता मत करना, फिर मामा आ गया, और कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति समाज हो, मैं बच्चों में भेद नहीं करूंगा, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे तो हरि को हो, सबकी भलाई सबका कल्याण। अभी राम डांगोरी जी बैठे, हम लोग उस तरफ गए थे पंधाना में, अरे मैं तो चुनाव में नहीं पहले आना चाहता था, धोखा हो गया, थोड़े जल्दी हो गए चुनाव, नहीं तो यहां भी जनदर्शन देवन जी करने वाले, राम पहले ही पकड़ लेगा, तो वहां तो कई घोषणाएं कर दी मैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी,
कई गरीबों ने मुझसे कहा कि हमें हमारे पास एक घर में इतने लोग रहते हैं कि सोने की जगह ही नहीं है, छोटा सा मकान, दादाजी दादी जी, उनके चार बेटा हो गए तो चार बहुएं और चार बेटा, फिर उनके बेटा बेटी हो गए तो नाती पोता आ गए। अब बोले हम गरीब आदमी रहे तो कहां रहे, हमारे पास रहने की जगह ही नहीं। तत्काल मैंने योजना बना दी एक